भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। सूर्य के समान तेजस्वी यदि कुलभूषण श्री कृष्णचंद्र, जो बचपन में गोपाल और गोपी वल्लभ कहलाते थे, अब अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ, अपने परिवार और विशेषकर अपनी भतीजी सुरेखा के साथ पांडवों के आमंत्रण पर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, जहां धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने की तैयारी में व्यस्त हैं। आनंद और उल्लास से पूर्ण इंद्रप्रस्थ रास रंग में तल्लीन है। एक नया संसार सजाओ, आज खुशी का दिन आया। एक नया संसार सजाओ, आज खुशी का दिन आया। झूम झूम आनंद मनाओ, आज खुशी का दिन आया। झूम झूम आनंद मनाओ, खुशी का दिन आया। एक नया संसार सजाओ, आज खुशी का दिन आया। एक नया संसार सजाओ, आज खुशी का दिन आया। झिलमिल झिलमिल दीपक चमके, जगमग जगमग दिवाली। जगमग जगमग तारों पे बांधे तोरण कोई मतवाली। तोरण कोई मतवाली, मतवाली ओ मतवाली। बागों में हरियाली छाई, फूलों का मन मुस्काया। बागों में हरियाली छाई, फूलों का मन मुस्काया। एक नया संसार सजाओ, आज खुशी का दिन आया। एक नया संसार सजाओ, आज खुशी का दिन आया। कहीं नाचती चल छबीली पायल की दिनकार कहीं। I'm
चांद सा मुकुड़ा दमके रंगन की बौछार पे, कहीं चांद सा मुकुड़ा दमके रंगन की बौछार कहीं, रंगन की बौछार कहीं। डगर डगर में धूम मची है सुख का सागर लहराया, डगर डगर में धूम मची है सुख का सागर लहराया, एक नया संसार सजा हूँ आज खुशी का दिन आया, एक नया संसार सजा हूँ आज खुशी का दिन आया। राजद्वार नर नारी जाए नए नए सिंगार किए, राजद्वार नर नारी जाए नए नए सिंगार किए, मंगल गीत नारियां गाए आशा का संसार लिए, मंगल गीत नारियां गाए आशा का संसार लिए। नगर नगर के राजा आए जिन्हें देख मन हर्षाया, नगर नगर के राजा आए जिन्हें देख मन हर्षाया, एक नया संसार सजाओ आज खुशी का दिन आया, एक नया संसार सजाओ आज खुशी का दिन आया। देश देश के नरेश तो आ गए लेकिन द्वारकाधीश अभी तक नहीं आए, क्या कारण है? अवश्य आएंगे पुजी। नारायण 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 नारायण। कल्याण हो धर्मराज, सब कुशल तो है ना? स्वागत मुनिराज, आप आ गए भले पधारे, अब हम लोग श्री कृष्ण की बाट देख रहे हैं। नारायण नारायण। दो पटरानियों के झगड़े झुकाना, असंख्य भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ जाना, भक्त भय भंजन कहलाना, इन सब जंजालों से छूट कर आना, क्या ये कम बात है? आते ही होंगे। यदुकुल दीपक युग योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकापुरी से पधार रहे हैं। लो आ गए द्वारकाधीश। आ गए मधुसूदन। आओ भगवान, आपकी ही देर थी। स्वागत मधुसूदन, स्वागत बलराम जी। मुनिराज तो आप पहले से ही यहाँ विराजमान हैं, यहाँ भी कुछ क्षमा कीजिए भगवान, पुरानी आदत से लाचार। बलराम जी सब क्षेम कुशल है ना? धर्मराज जी क्षेम कुशल आज सबको साथ लाया हूँ। नहीं समझे वो देखिए ना। हमें देर तो नहीं हुई धर्मराज, सब सिद्धता है ना? सब तैयार है प्रभु, सिर्फ स्वाहा भर बोलना है। फिर वही चाल मुनिराज, पुरानी आदत से लाचार हूँ भगवान। प्रणाम मामा जी। कल्याण प्रणाम। अरे अभिमन्यु चिरंजीव रहो बेटा। अभिमन्यु तू कितना बड़ा हो गया है रे। नारायण तो क्या पालने का पालने में ही रहता। पूज्य हस्तिनापुर से महाराज दुर्योधन और मामा शकुनी पधारे हैं, तो मुझे उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए। अवश्य धर्मराज। अरे हाँ मैं तो कहना भूल ही गया पूज्य, महाराज दुर्योधन के साथ चेदी नरेश शिशुपाल भी है। नारायण तो इसमें जरूर कोई रहस्य है। प्रभु अब आप ही रक्षा करें। मैं जाता हूँ बलराम जी। अवश्य आओ बेटा। प्रणाम मामा जी। आयुष्मान धर्मराज। आइए सुयोधन महाराज पधारिये चेदी नरेश। इंद्रप्रस्थ है सुनना सबकी और करना मन। हाँ मामा। ये लो अपना पुरस्कार, गजराज को मदिरा पिलाकर मस्त बना दो, समझे? निश्चिंत रहे श्रीमान, उधर श्री कृष्ण पांडव के बीच बैठे हैं और वहां रणवास में आधी रात तक कृष्ण लीला। कृष्ण लीला आज से समाप्त, सभा समाप्त होते ही कृष्ण निकलेगा बस। Thank you.
धन्यवाद। शांत हो गजराज, समर्थ और शक्तिशाली शांत होते हैं।
धन्यवाद। बैर की ज्वाला और भी भड़क उठी। देख लूंगा कृष्णा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। होम की क्रिया तो समाप्त हुई, अब अग्र पूजा के लिए सुयोग्य पात्र का चुनाव हो जाना चाहिए। हमारे अहोभाग्य कि इस सभा में युगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण विद्यमान हैं। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि अग्र पूजा के लिए उन्हीं को चुना जाए। निसंदेह वासुदेव श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के सुयोग्य पात्र हैं। मैं भी धर्मराज के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। श्री कृष्ण ही योग्य है। श्री कृष्ण विराजी मधुसूदन। नहीं, किराए के तत्व झूठा बखान कर रहे हैं, ये अनुचित है। एक साधारण ग्वाला, एक चरवाहा का छोकरा अग्र पूजा का पात्र कभी नहीं हो सकता। शांत शांत शिशुपाल, जीभ को वश में रख के बात करो। तुम तो सखिया गए हो पितामह, लेकिन मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। मैं डट कर छलिया कृष्ण का विरोध करूंगा। शिशुपाल, मथुरा के युद्ध में 70 वारदात खत्ते किए जाने पर भी तुम्हारी अकल नहीं मिटी। कौन सा मूल्य का विरोध करने चले हो? भूल के इस पिता के प्रचंड प्रहार को। बैठ जाओ भीमसेन, ये युद्ध भूमि नहीं, यज्ञशाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस भरी सभा में एक वाले को इतना सम्मान देकर हम राजवंशियों का अपमान क्यों किया गया? आप क्यों चुप बैठे दुर्योधन महाराज? हाँ धर्मराज, यह अपमान क्यों? सभा में राजवंशी और वयोव्रत का विचार नहीं, बल्कि ज्ञान व्रत और सेवाव्रत धारी का ध्यान रखा जाता है। शिशुपाल का श्री कृष्ण से विरोध निजी कारणों के आधार पर है। आपस की दुश्मनी नर रत्न की अग्र पूजा में बाधा नहीं डाल सकती। बाधा नहीं डाल सकते? क्यों रे कपटी कृष्ण, चुप क्यों है तू? शर्म नहीं आती तुझे? तो वह होकर हंसों की पार्टी में घुसना चाहता है? कौन से तीर मारे हैं तूने जो तेरी अग्र पूजा की जाए? चुप कायर, बार बार समझाने पर भी जीव पर काबू नहीं रखता है। तुम क्यों चुप हो मधुसूदन? अब क्या देर है? बाप का घड़ा किनारे तक भर जाए इसकी बार देख रहा हूँ। कायर कहीं का, बातों में न टाल, हिम्मत हो तो सामने आ। शिशुपाल तुम से आगे बढ़ रहे हो तो मैं इस प्रश्न के सारी हिमायतियों को चुनौती देता हूँ। सामना करके देख लो। क्यों रे ग्वाले, चूड़िया पहन रखी है तूने, सामने क्यों नहीं आता? सम्राट जरासंघ की विशाल सेना लेकर तुमने एक बार मुझसे युद्ध करके पराजित हो चुके हो और फिर भी युद्ध के लिए ललकारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बरसने वाले ऐसा गर्जा नहीं करते शिशुपाल। अच्छा तो संभल, मैं तुझे बरस कर दिखा दूं। मधुसूदन, धर्मराज, मैंने अपनी फूफी अर्थात शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि इसके 99 अपराध क्षमा करूंगा। सावधान शिशुपाल, अब ये तुम्हारा 100वां अपराध है। तेरे भार को पृथ्वी अब सहन नहीं कर सकती। सुन रहे हो शिशुपाल, कृष्ण की वीरता का बखान? शत्रु का अभिमान और आतंक सहना अच्छी बात तो नहीं, फिर भी सुनना सब की और करना मन की। निर्लज बातूनी, तो ही क्या तू तो हजारों और लाखों गालियों का पात्र है। ये कुछ गोपियां नचाने का खेल नहीं, मर्द का सामना है। बातें न बना, शत्राणी का दूध पिया हो तो शस्त्र संभाल। बस अब हद हो गए शिशुपाल, तू बार बार शत्राणी के दूध का मुझे ताना देता है। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी माता देवकी का दूध नहीं पिया, परंतु केवल शत्राणी का दूध पीकर तू वीर नहीं कहना सकता। वीरता के लिए चरित्र बन
और संयम की आवश्यकता है। ये ले, अब मैं तुझे अपनी माता यशोदा के दूध का प्रभाव दिखा दूं। संभल, रूह की खुआरी का बात। बिचारे जय विजय श्राप से मुक्ति, धन्य हो प्रभु, नारायण नारायण। छेदीराज शिशुपाल का वध, मेरी कोई बाहीं कट गई, हृदय में आग धधक रही है। आग धधक रही है लेकिन धुआं बाहर न दिखाई पड़े। इसका बदला लेना होगा मामा, पांडवों का सिर कुचलने का उपाय सोचना होगा। उपाय? मामा शकुनी के रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा आना चाहिए। उपाय सोच लिया है सुयोधन, सुनना सबकी, करना मन की। ये पहेली मैं समझा नहीं मामा। मेरी हथेलियां खुजला रही हैं, अवसर से लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। पांडव आनंद मना रहे हैं। देखा आपने, सुरेख और अभिमन्यु एक दूसरे के प्रति कैसे आकर्षित हो रहे हैं। क्यों न इस मधुर संबंध को पक्का कर डाला जाए। यादवों और पांडवों का ये प्रेम मिलन भविष्य में एक अद्भुत संयुक्त शक्ति निर्माण करेगा। राजनीति भी तो यही कहती है। बड़ी ही विचित्र है तुम्हारी सूझबूझ केशव, मैं सहमत हूं। तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं क्या बोलूं पूज्य, आज तक केशव की सुदबुद्ध से ही पांडवों का कल्याण हुआ है और आगे भी होगा। बड़े भैया, अब आप अपने मत को निसंकोच कह डालिए। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है कि नहीं? तुम कहते हो तो ये संबंध अवश्य कल्याणकारी होगा। पांडुनंदन, आओ जरा गले तो मिल लें। मिठाई खिलाओ राजकुमारी, चुप रहनी गोड़ी। आओ कन्हैया, आओ कन्हैया, चलो पुच्ची। क्षमा कीजिए राजकुमार। राजकुमारी, प्रणाम ताऊ जी। कल्याण। प्रणाम मामा। आयुष्मान भव पुत्र। क्या मैदानों की कला देखने पधारे हैं? हाँ बेटा। भवन तो बड़ा विशाल और सुंदर है। तो चलिए सारा भवन घुमा फिरा कर दिखा दूं, पधारिए। चलिए मामा। Thank you.
सुंदर, अति सुंदर। क्यों मामा? संपूर्ण कला में सुयोधन, वो देखो कितना सुंदर जलकुंड है। कैसा निर्मल जल है मामा। जल कहाँ है ताऊ जी, ये तो सब मैदानों की कला है। आइए। अंधों के अंधे ही होते हैं। मैं सूत पुत्र करण नहीं, कुलराज सुयोधन हूं। पांचाली ये न भूलो कि तुम्हारी ये हंसी कहीं आंसू में न बदल जाए। आग में घी पड़ चुका है, अब देखना है इंद्रप्रस्थ कब फूंकता है। फूंकने में अब देर नहीं मामा, कुलराज का अपमान करना आग से खेलना है। पांचाली ने मुझसे दिल लगी नहीं की, बल्कि पांडव की मौत को न्योता दिया है। चलो मामा। गुरुराज, इस तरह रोक के जाना ठीक नहीं, हम क्षमा मांगते हैं। हम नहीं रोक सकते सहदेव, जूता मारकर माला पहनाना चाहते हो, यह ढंग नहीं चलेगा। चलो मामा। सुयोधन, सुनना सबकी और करना मन की। मामा आप ही बताइए, इस प्रकार छोटी सी बात के लिए चिढ़कर चल देना गुरुराज को शोभा देता है, हमें क्षमा करें। नहीं, हम नहीं रोक सकते। मामा इन्हें समझाइए। सुयोधन, सुयोधन ये क्या छोटी सी बात पे चिढ़ गए? देवर भाभी की दिल्लगी से चिड़ा नहीं करते, और मामा आप भी इनकी तरह बचपना कर रहे हैं। ठहर जाइए, कल सुरेखा और अभिमन्यु की मंगनी का प्रसंग है, आपके बिना ये प्रसंग बिल्कुल फीका रह जाएगा। धर्मराज, हम रुक सकते हैं मगर एक शर्त है। हाँ हाँ कहिए, मुझे स्वीकार है। अगर आप लोग हस्तिनापुर आकर केवल मनोरंजन के लिए जुआ खेलें। भैया। हाँ हाँ मामा, मनोरंजन के लिए जुआ खेलने हम आएंगे, अवश्य आएंगे, पर आप रुकिए तो सही। सुयोधन, अच्छा तो रुक ही जाओ। अच्छा मामा। धर्मराज, वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ। भाग्य की बाजी लगा दी है मामा। धर्मराज, क्या लगाते हैं दांव पर? राजपाट। बस केवल राजपाट और धन भंडार। हाँ हाँ, राजपाट और धन भंडार। ये लो सर। वाह मामा वाह। गुरुराज सुयोधन महाराज की जय हो। इंद्रप्रस्थ की राज पताका उतार ली जाए। अब मैं अपने चारों भाई सहित स्वयं को दांव पे रखता हूं। अच्छा, ये लो जय काली। ये थी सात। वाह मामा, ये बाजी भी हमारी रही। उतार दो राज मुकुट, डाल दो हथियार। अब की बार क्या लगाते हो दांव पर? अब मेरे पास राह क्या है, क्या लगाऊं? मामा, धर्मराज अभी तो द्रौपदी बची है। द्रौपदी? पांचाली, उसे भी दांव पर लगा दीजिए, फिर अपना राज्य पाट सब कुछ वापस ले लीजिए। पांचाली का नाम लेने वाले का मुंह तोड़ दूंगा। महाबली भीमसेन, पांचाली से पहले धर्मराज तुम्हें हार चुके हैं, अब तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। हाँ धर्मराज, अच्छा पांडव की पटरानी द्रौपदी भी रही दांव पर, फेंको पासा मामा।
सौ बारह, ये भी मारा। बोलो गुरु राज दुर्योधन महाराज की। दुशासन, पकड़ लाओ उस अभिमानिनी को और अपमान करने का मजा चखा दो। दुर्योधन शांत हो भीम, शांत हो। प्रभु आप आज इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं सत्य भानु। छोड़ छोड़ मुझे पापी नीच चंडाल, छोड़ मुझे, छोड़ दे व्यभिचारी। युधोर जी, पितामा, आप लोग भी सब आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। भारत सम्राट की राजसभा में एक अबला की लाश लूटी जा रही है और कोई कुछ नहीं कहता। शासन, क्या देखते हो? खींच लो इस अभिमानिनी का चीर। भैया कृष्ण। आया बहन, आया बहन कृष्ण। सुनो तो, यह अनर्थ है। फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही भिखारी को राजा और राजा को दर दर भटकने वाला भिखारी बना देता है। इसी भाग्य के उलट फेर के कारण द्रौपदी सहित पांचों पांडव बन बन भटकते, जंगली सरोवर और नदी नालों को पार करते, कांटों और कंकरों से भरी हुई ऊबड़ खाबड़ भूमि पर चलते, वचन का मूल्य चुकाते फिरते रहे। पांडवों के भाग्य के उतार चढ़ाव के साथ इधर द्वारका में बलराम जी के विचारों ने भी पलटा खाया। हजार बार कह दिया कि संबंध नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। तुम स्त्रियां इन बातों को नहीं समझ सकती। पर इस बारे में कन्या से तो कुछ पूछना चाहिए। कोई जरूरत नहीं पूछने की। मैं उसका पिता हूँ, मैं ही उसका भाग्य विधाता हूँ। यादव वंश के गौरव प्रतिष्ठा का सवाल मेरे सामने है, न कि उसके। क्या बात है भाभी? अपने भैया से पूछो, सुरेखा और अभिमन्यु की सगाई तोड़ना चाहते हैं ये। क्यों भैया, आप अपने वचन से विमुख क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी पुत्री को सुखी देखना चाहता हूँ। समझा, लेकिन ये आपका भ्रम है भैया। आज पांडवों के भाग्याकाश पर दुख के बादल मंडला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी से मुक्ति नहीं होंगे। मैं कहता हूँ उनका सौभाग्य सूरज दूने तेज के साथ फिर चमकेगा। कन्हैया, अप्रसन्न न हो भैया, आपके ही वचन भंग से यदुकुल की प्रतिष्ठा और गौरव को धक्का लगेगा। धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देख लीजिए, उन्होंने अपने वचन के रक्षा के लिए राजपाट छोड़कर बन बन भटकना स्वीकार किया है, तो फिर आप क्यों अपने वचन से विमुख होते हैं? एक बार फिर विचार कर लीजिए। विचार कर लिया। मैं सुरेखा को चूल्हे चक्की में न लगाकर भारत की भावी साम्राज्ञी बनाने की धुन में हूँ। धन्य है, धन्य है। बड़े उत्तम विचार हैं आपके यदुराज। शुभस्य शीघ्रम। सुयोधन पुत्र लक्ष्मण से नाता अवश्य जोड़िए। देखा कि नहीं, घर बैठे गंगा आई। मैं स्वीकार किए लेता हूं इस प्रस्ताव को।
नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। क्या बात है भगवान, जान पड़ता है आज भाई भाई में कुछ ठन गई। ठनी तो नहीं देवऋषि, पर कदाचित अब ठन जाए। अब ठन जाए, क्या प्रयोजन जनार्दन? आपका शुभागमन जो हुआ। नारायण नारायण। कहिए पुत्र पुत्री के भाग्य विधान में आपका क्या मत है? माता पिता संतान के जन्म के विधाता हो सकते हैं भगवान, कर्म या भाग्य के नहीं। नारायण नारायण नारायण। सुना भैया? सुना, देवऋषि की वाणी, वही ढाक के तीन पार। अच्छा ये बात है, लो जल्दी ये भगवान। नारायण 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 नारायण। ओ बात पक्की ना मामा? हाँ हाँ। पहली ही पहचान में नैना नैनों के मेहमान बने। पहली ही पहचान, पहली ही पहचान में नैना नैनों के मेहमान बने। पहली ही पहचान चुपके से हृदय में आए, चुपके से चुपके से हृदय में आए। प्यार की मीठी तान बने, प्यार की मीठी तान बने। पहली ही पहचान, पहली ही पहचान में नैना नैनों के मेहमान बने। पहली ही पहचान मन की आशा झूम रही है। नस नस में, नस नस में एक याद बसी है। मन की आशा झूम रही है। नस नस में, नस नस में एक याद बसी है। उनकी छवि मैं आज बनाती, उनकी छवि मैं आज बनाती। जो है मेरे प्राण बने, जो है मेरे प्राण बने। पहली पहचान, पहली ही पहचान में नैना नैनों के मेहमान बने। पहली ही पहचान चंदा को शर्माए ये मुखड़ा, तारों को, तारों को ललचाए ये मुखड़ा। चंदा को शर्माए ये मुखड़ा, तारों को, तारों को ललचाए ये मुखड़ा। जान गए हैं इन नैनों को, जान गए हैं इन नैनों को। कैसे ये अनजान बने, कैसे ये अनजान बने। पहली पहचान, पहली ही पहचान में नैना नैनों के मेहमान बने। पहली ही पहचान बातों में अमृत की धारा। रूप मनोहर प्यारा प्यारा, बातों में अमृत की धारा। रूप मनोहर प्यारा प्यारा। सपनों की पहनावो माला, सपनों की पहनावो माला। तुम मेरे भगवान बने, तुम मेरे भगवान बने। पहली पहचान, पहली ही पहचान में नैना नैनों के मेहमान बने। पहली ही पहचान मधुर कल्पना का ये चित्र अधूरा ही रहा बेटी। ये संबंध,
भैया का मन टूट गया बेटे। ये कैसे हो सकता है? धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं होता, दिया हुआ वचन पलटा नहीं जा सकता, फिर ये कैसे संभव है? संभव सब कुछ है धर्मराज। क्या सचमुच बलराम का माथा फिर गया है? नहीं भैया, बलराम का माथा नहीं फिरा, हमारा ही भाग्य फिर गया है। मधुसूदन के होते हुए यह नीति, हमारा ये अपमान। भाग्य के फेर से ही अपमान सहना पड़ता है। देखो लीला में कैसे कैसे नाच नचाते हैं। नारायण 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 नारायण। भाभी भाभी, सुना आपने ये समाचार? क्या? बलराम अपने वचन से फिर गए। अब वे सुरेखा का विवाह दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण से करने का निश्चय कर चुके हैं। किसने कहा? शकुनी ने। धर्मराज तो यहाँ है नहीं, अब आप ही कोई उचित राय दीजिए। सुभद्रे, अपने भाई के पेंतरे देखे, वे भी हमसे नाता तोड़ रही हैं। माता जी, ये भ्रम है, भैया बलराम वचन भंग नहीं कर सकते। और यदि ऐसा करेंगे तो उन्हें अपनी करनी का फल अवश्य चखना पड़ेगा। मैं द्वारका जाकर सुरेखा हरण करूंगा। अभिमन्यु, सीधी उंगली से घी निकले तो टेढ़ी करने से क्या लाभ बेटा? नहीं माँ, मैं ये नहीं सहन कर सकता, मैं इसी समय द्वारका के लिए प्रस्थान करता हूँ। बेटा मुझे आशीर्वाद दीजिए, दादी माँ पितामह मुझे आशीष दो। अरे ये क्या इतनी जल्दबाजी, हैरत उसी बेटा। नहीं माँ। बेटा अभिमन्यु, 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 बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु। बेटी सुरेखा, आज रात्र जागरण क्यों कर रही हो? काफी रात बीत चुकी है बेटी, और तुम उनिंदी आंखें लिए बैठी हो। मैं क्या करूं? समझा सुरेखा। काका जी, राजकुमारी जी की नींद ही उड़ गई है, बेचैनी के मारे अभी तक नहीं सो सकी, आप ही कुछ उपाय बताइए ना। मैं क्या करूं काका, किससे कहूं मन की बात? मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया हूँ बेटी, संकट के समय धीरे से काम लेना चाहिए, कर्म करना अपने अधीन है, उसका फल देना विधाता के हाथ, समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। जग में कर्मन की गति न्यारी, जग में कर्मन की गति न्यारी, जग में कर्मन की गति न्यारी, मुरझा कर भी खिल जाती है आशा की फुलवारी, मुरझा कर भी खिल जाती है आशा की फुलवारी, कर्मन की गति न्यारी, जग में कर्मन की गति न्यारी, हंसना रोना पाना कोना सब इस गति की लीला, सब इस गति की लीला, रंग बिरंगे सपनों का है ये संसार रंगीला, बंधे हुए हैं कर्म डोर में, बंधे हुए हैं कर्म डोर में सारे ही नर नारी, कर्मन की गति न्यारी, जग में कर्मन की गति न्यारी, कर
जन्म भूमि पर कांटों के संग फूल किसे जसवानी, फूल किसे जसवानी, दुख सुख दोनों साथ साथ है जग की यही कहानी। मत निराश हो खिल जाएगी, मत निराश हो खिल जाएगी मन की केसर क्यारी, कर्म की गति न्यारी जग में कर्म की गति न्यारी, जैसी करनी वैसे भरनी यही यहाँ का लेखा, यही यहाँ का लेखा। नहीं मिटाए मिट सकती जो खींची भाग्य की रेखा, सरस सवेरा आया देखो, सरस सवेरा आया देखो, रहन गई अंधियारे, कर्मन की गति न्यारी जग में कर्मन की गति न्यारी। सारथी अश्वों को छोड़ दो। जी। भयानक वन है, एकदम निर्जन। किंतु रात भर तो यहाँ ठहरना ही होगा, सुबह होते ही चले जाएंगे। सारथी जी, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ भोजन और आश्रय की खोज में। बेटा चिंता न करो माँ। मुझे भ्रम में डाल रही है। कौन हो? कौन हो तुम? सामने आओ। मेरे धनुष से बाण छूटने से पहले सामने आओ, वरना। Thank you.
पिशाच, वरना प्रलय बचा दूंगा, आग लगा दूंगा। शांत हो जाओ। बुझ रही है, फिर कोई मायावी शक्ति मुझे भ्रम में डाल रही है। कौन हो तुम? सामने आओ, कौन हो तुम? जवाब दो। कौन हो तुम? राक्षस हो या यक्ष, दानव हो या प्रेत, सामने आओ। कौन है रे मूर्ख, अपना सर हाथ ले लेके मेरी सीमा में घुसाया? कौन हो तुम पिशाच? मैं तो इस जंगल का राजा हूँ, मेरी आज्ञा बिना तुम मेरी सीमा में कैसे घुस आया? बोलो, जवाब दो। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, अपने बलबूते पर आया हूँ, भोजन और आश्रय की खोज में। सामने आओ। सावधान। घर बैठे मेरे लिए भोजन आया है। मेरी सीमा में घुस आने वाले मूर्ख छोकरे, तू यहाँ क्या करने आया है? जानबूझकर मेरा ग्रास बनने आया है? तूने समझ क्या रखा है? लाल पीली आंखें क्यों दिखाता है? अगर तुझे अपने बल का घमंड है तो ले आ, देख मेरा बाहुबल। मौत के मुंह में मैं जाता हूँ या तू? अरे नादान बालक, देखता है ये मेरा भरभक्कम बलिष्ठ शरीर एक ही तमाचे में बुट्टा सा लौट जाएगा। मालूम होता है तो इस तरह नहीं मानेगा। अच्छा देख। वारे बच्चे, तू तो काफी बलवान और युद्ध कुशल है। हो ना हो, तू किसी वीर की संतान है। नादान कहेगा। अभी तक नहीं लौटा। अभिमन्यु, 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 अभिमन्यु,
देखा अभिमन्यु, मेरे लाल, मेरे नैनो के तारे कहाँ छुपे हो बेटा? किस माया बिनी ने तुम्हें मुझसे दूर किया बेटा? अभिमन्यु, अभिमन्यु, घटोत्कच, घटोत्कच, अवश्य घटोत्कच पर किसी ने आक्रमण किया है। कहीं किसी ने? नहीं नहीं, वो तो महाबली का पुत्र है, उसे भला कौन मार सकता है? मार कौन सकता है माँ? बेटा, माँ, पिताजी के प्रताप से इस संसार में मुझे जीतने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ। किंतु वो देखो माँ, वो है तो छोटा सा बालक, लेकिन सचमुच वीरता के जोहर जगा गया। बेचारे की सारी शक्ति मेरी माया के सामने व्यर्थ गई। बेटा, कौन है वो बालक? देखो माँ, अभिमन्यु, मेरे लाल, अभिमन्यु, पाल पुत्र को किसने मारा? महाबली के भतीजे को मार कर किसने अपनी ज्योति को न्योता दिया? श्री कृष्ण के भांजे को मार कर किसने अपने गर्दन पर सुदर्शन चक्र चलवाना चाहा? मेरे लाल, कहो अर्जुन, कहो भीम, मेरा लाल मौत के पालने में झूला है और तुम सब निर्दय हो के वन विहार कर रहे हो। कौन हो तुम देवी? किसको पुकार रही थी? क्या हुआ सुकुमार बालक को? इस भयानक वन में आधी रात को तुमने ही मेरे लाल को गहरी नींद में सुला दिया है। वो कौन है राक्षसी? ठहर, अभी अर्जुन तेरी करनी का फल तुझे चखा देंगे। ठहर, अभी भीमसेन तुझे आग में उठाकर झोंक देंगे। तू कौन है राक्षसी? ठहर, तुम कौन मेरे पति महाबली का नाम लेने वाली? तुम कौन हो देवी? बोलो, जल्दी बोलो। वर्षों के बाद ये प्यारा नाम कान में पड़ा है। तुम कितनी अच्छी हो देवी, अपना परिचय दो, मुझे आनंदित कर देने वाली मानवी। बोलो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तूने भीम को अपना पति कहा है, वह तेरे पति हैं? वो कैसे? तेरा नाम? मैं हिडिंबा हूँ, हिडिंबा सूर की बहन। वो मेरा पति है, और तुम कौन? बोलो जल्दी, मेरा हृदय उछल रहा है। मैं हूँ पार्थ पत्नी सुभद्रा, और ये मेरा पुत्र अभिमन्यु, जिसकी तुमने ये दिशा की है। नहीं नहीं देवी, मैंने ये अपराध नहीं किया। मेरे लड़के घटोत्कच ने शायद ये भूल, लेकिन ठहरो, अभी आई। घटोत्कच बेटा, घटोत्कच बेटा, घटोत्कच। क्या है माँ? तुमने ये क्या किया बेटा? अपना ही अंग पर हथियार चला बैठे। क्या है माँ, मैं समझा नहीं। तुमने जिससे मारकर अचेत किया है, वो तेरा छोटा भाई है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। मेरा भाई? क्या कहती हो माँ? हाँ, मेरा भाई भी को है। मरकत, मरकत। जी 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 माँ बाबू। जल्दी जा अमेलिया। अच्छी बात है माँ बाबू। अमी, मैं समझा नहीं, अमी क्या? तू तो समझा नहीं, नहीं। अमृत, जल्दी जा। ओ अमृत, ओ मेरा भाई। हाँ हाँ, तू कहता था ना कि मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, आ तुझे मिला दूँ उससे। चलो। बेटा, देखो ये कौन है? मेरा भाई। माता जी, अमृत। आंखें खोलो बेटा। बड़ी कृपा की आपने। कहाँ हूँ मैं? कहाँ गया मेरा धनुष? कहाँ गया वो मायावी राक्षस? तुम? हाँ, मैं हूँ। ठहर,
अभी तेरा सिर उड़ाता हूँ, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। लो मेरी गर्दन हाजिर है, इससे उड़ा दो, इस शरीर टुकड़े टुकड़े कर डालो। मैं वो भी न करूंगा, इन हाथों ने तुम्हें मारा है ना, पहले इनको काट डालो। आओ आगे बढ़ो। भाई को मारने के लिए हो बेटा? भाई, ये मेरा भाई, ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, ये तुम्हारा भाई है गिढोत्कच, और ये इनकी माता हिरिम्बा, तुम्हारे काका भीमसेन की पत्नी। काका भीमसेन की पत्नी, और ये मेरा भाई, मेरा भाई। भैया, दादा, भैया, दादा, भैया, भैया, भैया। मौसम सराना मुस्काया, मेहमान मेहमान हमारे घर आया, तो मेहमान हमारे घर आया। मौसम सराना मुस्काया, मेहमान मेहमान हमारे घर आया, तो मेहमान हमारे घर आया। सोला सिंगार को सोला सिंगार, कचौरी सखियां कचौरी सखियां, फूलों के हार को फूलों के हार, सजाओ रे सखियां सजाओ रे सखियां। सपनों का सन साधन हमारा, सपनों का सन साधन हमारा, नैनों में हो नैनों में हंस के लहराया, मेहमान मेहमान हमारे घर आया, ओ मेहमान हमारे घर आया। मोरी बाजे पायलिया, धुनक धुनक मोरी बाजे पायलिया, मधुर मधुर कहीं बोले मुरलिया। मधुर मधुर कहीं बोले मुरलिया। झूठी है माटी मांगे, झूठी है माटी मांगे, आशा का हो आशा का दीप चमकाया, मेहमान मेहमान हमारे घर आया, ओ मेहमान हमारे घर आया। मौसम सलोना मुस्काया, मेहमान मेहमान हमारे घर आया, ओ मेहमान हमारे घर आया। आंग आंग मोर चमक बिजुरिया, नाच नाच बल खाए कमरिया, नाच नाच बल खाए कमरिया। मधुर मिलन का गीत सुहाना, मधुर मिलन का गीत सुहाना, जीवन में हो जीवन में रंग नया लाया, मेहमान मेहमान हमारे घर आया, ओ मेहमान हमारे घर आया। मौसम सलोना मुस्काया, मेहमान मेहमान हमारे घर आया, ओ मेहमान हमारे घर आया। क्या हुआ भैया, तुम इस राग रंग से प्रसन्न न होकर अनमन क्यों हो गए हो? कैसा जी है तुम्हारा? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। इतनी रात में कहां जाओगे भैया, रात भर विश्राम करो, फिर देखा जाएगा। लेकिन हाँ भैया, द्वारका जाने का कारण? दादा ये क्या करोगे जानकर, कहानी लंबी है और समय बहुत कम। बस ये समझ लो कि आग की लपटों के बीच गिरे एक सुकुमारी को बचाने के लिए मुझे तुरंत जाना चाहिए। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, सवेरे होते ही हम चुटकी बजा के द्वारका पहुंच जाएंगे। भैया तुम आराम करो। द्वारका पहुंचे सिवा आराम कहां दादा, आप लाख कहें
मेरे अधीर मन को विश्वास नहीं आता कि इतनी लंबी मंजिल हम इतनी जल्दी कैसे तय कर लेंगे। मेरी मायावी शक्ति के बल पर ये मायावी महल तो तुमने देख लिया। अब महाबली भीमपुत्र घटोत्कच की आकाश कामिनी शक्ति कल सवेरे ही देख लेना। चलो भैया आराम करो। दुखने लगी और तुम्हें नींद ही नहीं आती। समझी, याद आ रही होगी प्रीतम की। प्रीतम दूर बसे तो क्या हुआ, तुम उन्हें बुलाओ ना, अपने मन की वेदना पत्र लिख जताओ ना। पत्र? हाँ तिरंगिनी, मैं पत्र लिखूंगी। राजकुमारी जी, काके रुक्ष्मणी ने भी तो संकट समय पत्र लिखकर श्री कृष्ण महाराज को बुलवाया था। लिखो, तुम भी लिखो। क्या लिखूं? प्रीतम, प्रियतम। संदेश मेरा, संदेश मेरा, पाके मुझे दर्श दिखाना। प्रीतम मेरी आशाओं का दीपक न बुझाना। दर्श दिखाना प्रीतम मेरी आशाओं का दीपक न बुझाना। जब तुम ही नहीं पास तो सुना है ये जीवन, जब तुम ही नहीं तन मन सपनों का महल, सपनों का महल टूटता है आके बचाना। प्रीतम मेरी आशाओं का दीपक न बुझाना। मिलती है गले चांदनी से रात की बेला, मिलती है गले चांदनी से रात की बेला, है चांद की गोदी में सितारों का झमेला। लुट जाए ना, लुट जाए ना ऐसे में मेरा सपन सुहाना। प्रीतम मेरी आशाओं का दीपक न बुझाना।
की प्यासी चंदा की किरण, चंदा की किरण बन के झलक अपनी दिखाना। प्रीतम मेरी आशाओं का दीपक न बुझाना। नैनों में तेरे स्वप्न है, होंठों पे तेरे गीत। नैनों में तेरे स्वप्न है, होंठों पे तेरे गीत। हृदय में तेरी याद है, हर सांस तेरा मीत। आंसुओं के दिए, आंसुओं के दिए पलकों पे अपनी न जलाना। प्रीतम मेरी आशाओं का दीपक न बुझाना। संदेश मेरा पाके मुझे दर्श दिखाना। प्रीतम मेरी आशाओं का दीपक न बुझाना। चिंता न करो, सब काम बन जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो विजय हो तो तुम्हारी है। अभिमन्यु, माँ आशीष दो, हमारी द्वारका यात्रा सफल हो। अकेले जाओगे बेटा? नहीं नहीं, अकेले फिर किसी संकट में फंस गया तो कौन बचाएगा तुम्हें? मैं भी साथ जा रहा हूँ काकी, डरने की कोई बात नहीं। मेरे रहते भैया अभिमन्यु का बाल भी बाका नहीं होने पाएगा। इनके पसीने के जगह मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन इन पर आंच न आने दूंगा। है, तुम घर तक की शक्ति पर विश्वास रखो, मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं। वहाँ कौरों की सेना होगी एक और, दूसरी और तुम अकेले क्या करोगे बेटा? या तो भी तुम्हारा विरोध करेंगे, दो पाठों के बीच अकेले कहीं फिस गया तो। ये क्या कह रहे हो काकी, मुझे पहचाना नहीं? मैं एक एक की खान निकाल दूंगा। मेरे सामने कौरव और यादव की हस्ती क्या, मैं उनको अच्छी तरह मजा चखा दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। घटोत्कच अभिमन्यु जब तक लौट ना आए, बहन तुम मेरे पास रहो। लेकिन बहन, बहन घटोत्कच अभिमन्यु दोनों भाई यमराज को भी बांधने का बल रखते हैं, तुम इन्हें आशीष दो। अच्छा, जैसे सबकी आशीष दो माँ। जाओ बेटा, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो, विजय बद्दू तुम्हारे चरण चूमे। आशीर्वाद दो माँ। जाओ बेटा, अपने पिता पांडवों की तरह विजय पाओ। अरे तू यहाँ गया, कहाँ जा रहा है? बुद्धि की शोध में। बुद्धि की शोध में? हाँ, क्या करूं, बुद्धि आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया। मूर्ख एका, सो तो हुई। चल बैठ। भैया अब तो खुश हो जाओ। दादा, मालूम नहीं ये यात्रा कब पूरी होगी। यूं पूरी हो जाएगी, तुम देखो तो सही मेरी शक्ति का प्रभाव। सुयोधन, क्या है मामा? लो, आ गया बुलावा बलराम जी का। आ गया बुलावा? हाँ, शुभ दिन सिर पर आ गया। और मुहूर्त? बहुत अच्छा मुहूर्त बना है, शुक्ल पक्ष की पंचमी और बुधवार। पंचमी और बुधवार? मामा, ये सब बाहर तो आप ही कंधों को उठाना पड़ेगा। लोगों को अलग अलग काम बांट दो और सबको सूचना दे दी जाए। सूचना दे दी गई है सब नरेशों को, जो होना था सो हो चुका। अब मैं
मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। नाथ, वचन तो पांडवों को भी दिया था आपने, क्यों बार बार वचन पलटने से क्या लाभ? कुछ बेटी के हितहित का भी तो ध्यान रखिए। बेटी की ममता वाली माता राजनीति की बातें नहीं समझ सकती, इसलिए तुम चुप ही रहो तो अच्छा। इस संबंध से हमारी सुरेखा केवल हस्तनापुर की महारानी ही नहीं बनेगी, बल्कि कौरव शक्ति की बागडोर यादवों के हाथ में थमा देगी। आप केवल एक ही पहलू पर विचार कर रहे हैं। क्या ये उचित है कि हम अपने स्वार्थ की वेदी पर अपनी लाडली बेटी की बलि चढ़ा दें? ऐसा करने से संसार हमें धिक्कारेगा नाथ। मानिए, फूल सी बच्ची को भाड़ में झोंकने की तैयारी मत कीजिए। भाड़ में झोंकने की बात तो तुम कर रही हो। वनवासी फटेहाल पांडवों को बेटी देना बेटी के सुखों पर कुल्हाड़ा चलाना है। परंतु वचन और कर्तव्य की पुकार तो आपको सुनना ही चाहिए। ऐसा न हो कि जल्दी में अपना काम बिगाड़ कर हमें सिर धुन धुन कर पछताना पड़े। ये समय विरोध का नहीं भद्रे, विवाह की तैयारी का है। बारात आने में 2 ही दिन की देर है। इस समय मुझसे बहस न करके बारात के स्वागत की तैयारी करो, मंगल गीत गाओ, उत्सव मनाओ। पति हो या पिता, भाई हो या बेटा, पुरुष पुरुष ही है। वो स्त्री के साथ सदा अन्याय करता रहा है, वो हमेशा मनमानी करता है और बेचारी अबला को पक पक पर रुलाता है। भाभी, भाभी आंखों में ये आंसू क्यों? क्या हुआ, कुशल तो है ना? अपने भैया को समझाते क्यों नहीं देवर जी? वे विवेक बुद्धि और वचन सब कुछ बुलाकर अनुचित काम करने जा रहे हैं। क्या सुरेखा सुयोधन पुत्र लक्ष्मण की जीवन संगिनी बनकर एक दिन भी सुख पा सकेगी? तुम तो सब कुछ जानती ही हो, वो तो अभिमन्यु के रंग में रंगी है। अभिमन्यु और सुरेखा इन दोनों के हृदय पहचानने का मुझे अवसर मिला है। भाभी, मैं सब कुछ जानता हूँ अच्छी तरह। नारायण नारायण। ओ मुनिराज, स्वागतम। बताइए, अब की बार कैसी कृपा करने आए हैं आप? भगवान, अगर टेढ़ी बात सीधी करने में आपकी बुद्धि नकाम करती हो तो सेवक से बुद्धि उधार ले लीजिए ना। अच्छा बताइए, क्या किया जाए इस नाजुक अवसर पर? ये देखिए, एक और सुरेखा को बिहाने अर्जुन कुमार अभिमन्यु आ रहा है और दूसरी ओर कौरव सेना चली आ रही है लक्ष्मण को दूल्हा बनाए। नारायण नारायण, ऐसी बात है प्रभु? हाँ बोलिए मुनिराज, पापड़ और पहाड़ की टक्कर कैसे रोकी जा सकती है? सोचने के लिए अधिक समय नहीं है। भगवान, मेरे विचार में अगर अभिमन्यु भेष बदल कर आए तो सब ठीक हो जाएगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, शठम प्रति साठ्यम, यही नीति कहती है। तो फिर अपनी पुरानी आदत को आजमा लीजिए ना। भगवान, जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। तम नारायण नारायण, संदेश मेरा पाके मुझे दरस दिखाना। नारायण नारायण, क्या मुझे भी दूध का कार्य करना पड़ेगा? शायद इसमें भी कोई दैवी संकेत हो। देवी रुक्मिणी ने
पत्र पहुंचाने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लिया था। मैं भी तो ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं। नारायण नारायण। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। भैया जी, भैया तैयारी हो रही है ना भैया? बिल्कुल। हाँ देखो, बारात के जनवासे में पूरे प्रबंध की चौकसी रखना। समधि सुयोधन महाराज और मामा शकुनी का पूरा पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। जी जी। ये ध्यान रहे तो नहीं है? ये अवसर बार बार नहीं मिलते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, उनके आदर सत्कार का चौकस प्रबंध हो गया है। अच्छा, अब मुझे कपड़े पहनने के चुनाव के लिए जाना है, और तुम्हारी भाभी तो नाहक गर्म हो रही। गर्मी के जो दिन ठहरे भैया। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि, कल्याण। लो सुरेखा का पत्र अभिमन्यु। मुनिवर आशीर्वाद दीजिए कि हमारी यात्रा सफल हो। सफलता में कुछ संदेह है अभिमन्यु। मेरी सम्मति है कि इस तरह न जाओ। क्या कहा? हम न जाए, ये कैसे हो सकता है? देखा, ये मेरा उल्टा तंबोरा। जाओ, अवश्य जाओ। मैं कब कहता हूँ न जाओ? एक बार नहीं, अनेक बार जाओ। तुम ठहरे गदाधर भीम के सुयोग्य पुत्र, जो करोगे अच्छा ही करोगे। लेकिन इस प्रेम व्यापार में लाभ जभी होगा अगर तुम लोग भेष बदल कर व्यापारी रूप से जाओगे। मुनिवर, ये मेरे दादा हैं घटोत्कच, इनकी बात का बुरा न मानिएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जाओ अभिमन्यु, भगवान कल्याण करे। याद रहे, लग्न बसंत पंचमी का है और कौरवों की बारात आती होगी। नारायण 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 नारायण। अब क्या होगा तिरंगिनी? मैं तो एक दिन भी जीवंत ना रह सकूंगी। हिम्मत ना हारो सुरेखा। तिरंगिनी, राजकुमारी जी, लो बारात आ गई है नगर के फाटक पर। ओह, मैं क्या करूं? कहां जाऊं तिरंगिनी? मेरी लाडली। गुरु युवराज कहां है? आइए आइए। बोलो तो सही, दूल्हा कहां है? ये रहे दूल्हा। आइए आइए, पधारिए, जगह दीजिए लोग। बैठिए, कहिए। आहा, वाह भाई वाह, क्या सुर्ख रंग है दूल्हे का। जी चाहता है कि अपने धोबी के सारे गधे इस पे निछावर कर दे। आए, क्षमा कीजिए महाराज, ये लड़का भी हस्तिनापुर का पानी पीकर गधा बन गया है। ये क्या मामा, अभी तक खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं? अच्छा अच्छा, तुम अपने कक्ष में जाओ, मामा सब व्यवस्था किए देते हैं। अच्छा। वाह 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 वाह, कैसा प्यारा मुखारविंद है। इसी मुखारविंद पर तो रिस कर सुरेखा मेरी रानी बन रही है। हाँ, ऐसी सूरत पर ये बात है। अच्छा ठहर, इसी गदा से तेरी ऐसी तैसी करता हूँ। दिल लगी करता है मुझसे, गुरु युवराज से। अच्छा जी, अब गदा भी उठा सकते हैं? हाँ, कुश्ती भी लड़ सकता हूँ और शिकार भी खेल सकता हूँ। और नाच भी सकता हूँ और आंख भी मार सकता हूँ। लक्ष्मण जी। जी नाना जी। ये ससुराल है, ठीक तरह से बैठो जी। ज्यादा बातें मत करो, हीं करके हंसो मत, वरना ये सब तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। बड़े छिछोरे हैं द्वारका के छोकरे, समझे बेटा? जी नाना जी, ऐसा ही होगा। नाना जी के बच्चे। प्रिया काहे देर लगाए,
सुरेखा का कमरा। सुरेखा का कमरा? हाँ, परंतु भैया ये अच्छा चलो भैया। ये क्या हुआ? अभिमन्यु, सुरेखा को संभालो, मैं बाहर देखता हूं। देख रही हूं या सच? सचमुच को सपना न कहो। वो कौन था? हमारा शुभचिंतक, समय आने पर जान लोगे। मेरी सुनी सी कुटिया में जो आपने प्रेम का दीपक आकर जलाया है, वो कहीं बुझ तो ना जाएगा? धीरज और विश्वास के साथ दीपक और उसके लोह की तरफ देखो। जब तक स्नेह है, तब तक कोई भी उसे बुझाने में समर्थ नहीं। सुरेखा, राजकुमारी जी, माता जी आ रही हैं। कल फिर? लेकिन कहाँ मिलोगी? फुलवारी में, सूर्यास्त के बाद। मालूम होता है हमें धोखे में रखा जा रहा है। उधर बारात आ भी गई और लगाने वाला का कुछ पता ही नहीं। अच्छी चाल है छकारे की। भैया तुम देखते ही रहो,
सब सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रलय मचा दूंगा द्वारका में। प्रलय मचा दोगे द्वारका में? प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान भव। प्रलय मचा दोगे? अभी कल ही राजभवन में पकड़े जाते तो पता चल जाता। ये जंगल नहीं बच्चे, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है। यहां उल्टी सीधी बात से काम लिया तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ आहा, लो मधुसूदन आ रहे हैं। मधुसूदन। प्रणाम मामा जी। बड़े भाग्य से आज प्रभु के दर्शन हुए। कल्याण। प्रभु मेरे भुजा में इतना बल दीजिए, मेरे हृदय में इतना साहस दीजिए कि मैं अपने छोटे भाई अभिमन्यु की यात्रा में सफलता प्राप्त करूं। कोई उपाय बताइए भगवान। महाबाहो, कांटे को कांटे से ही निकाला जाना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। यही सुनहरा संसार रचा कर शुरू कर दो ना माया बाजार का इंद्रजाल। जैसे वासुदेवी की इच्छा। यशस्वी हो। नारायण नारायण। वासुदेव की यही इच्छा है। माया बाजार, इंद्रजाल। माया बाजार, दुकानें तो सुंदर हो गई, अब इनकी सजावट भी तो होनी चाहिए। सजावट भी हो जाएगी। महाबाहु, भोजन प्रबंध जरूर होना चाहिए जो है। वो भी हो जाएगा मूर्ख कहीं का। सो तो हूँ। सजावट। मरकट, तुम नगर में जाके लोगों को सूचित करो। लेकिन महाबाहु, इस वेश में लोग मुझे पहचान लेंगे तो मैं पीटा जाऊंगा। हाँ, ऐसे तो हम सब लोग पहचान लिए जाएंगे। घबराओ नहीं, हम तीनों व्यापारी वेश में रहेंगे। हाँ? भाई वाह। देखो मरकट, तुम वहां जाओ जहाँ कौरों का बारात का डेरा है। ठीक है ठीक, मैं चला। अरे देखो जी जी, तू वहां जाके करेगा क्या? हाँ, मैं वहां जाके करूंगा क्या? देखा, ये फिर बुद्धि का घोटाला हो गया। ओहो, अब मैं आगे निकल गया तो बुद्धि पीछे रह गई। देखो जी, समझदार से काम करना। बाराती को समझा बुझा कर यहाँ ले आना और उसे कह देना बड़े दूर से व्यापारी आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलूं। अच्छा, आइए पधारिए नगरवासियों, महाजनों, देवियों, महादेवियों, आइए पधारिए। ये है हमारा सुवर्ण संसार। यहाँ संसार की सब चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि जेवरात, मिठाइयाँ, कपड़े, सोने चांदी, हीरे मोती के अलंकार, फल फूल फल फूल फल फूल। ओहो, फिर मेरी बुद्धि आगे निकल गई। कौरव कुलभूषण, महाराज दुस्शासन और मामा शकुनी पधार रहे हैं। महाबाहु, क्या है? मामा शकुनी, दुशासन और कौरवों की पटरानियां आ रही हैं। मामा शकुनी? हाँ। दुशासन? हाँ।
और कौरों की पटरानी। हाँ। अच्छा आइए आइए पधारिए, आपका क्या स्वागत करूं? स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारी क्या क्या बेचते हो? बाजार लगा हुआ है, आप ही देख लीजिए। महपाल जी, इन हस्तिनापुर के मेहमानों को अपना बाजार दिखाओ। जो आ गया पधारिए। नाना जी, नाना जी देखिए यहाँ भी घोड़े बिकते हैं। हाँ मैं घोड़ा लूंगा नाना। अच्छा, जी अच्छा अच्छा हमारी पटरानियों को उनकी मनपसंद चीजें दिखाना। बहुत अच्छा नाना जी, आप बड़े अच्छे। देखिए आप लोग इस तरफ से आए। कटी मेखला और कंगन के ये दाम? हाँ, रत्न जड़ित है महादेवी जी। और यहाँ तो वस्त्रों के बहुत ऊंचे दाम है, फल और फूल भी तो कितने महंगे हैं यहाँ। क्षमा कीजिए देवी जी, हम तो यहाँ आए थे पांडवों के लिए। सुना था पांडवों की बारात आएगी, हमारा माल बहुत बिकेगा, इतना बिकेगा इतना बिकेगा, लेकिन हमारे भाग्य में वो बात कहाँ। कौरवों की ताहिन, हमारा ये अपमान। भैया दुशासन, दुशासन। काका जी, काका जी, मैं ये गदा लूंगा। हाँ, ले लेना ले लेना। भैया दुशासन, दुशासन। क्या है भाभी? व्यापारियों की ये मजाल कि वो हमारा अपमान करे। क्या कहा? क्या कौरव कंगाल है? मामा जी से कहो मैं चाहती हूँ सारा बाजार खरीद लिया जाए। क्या बात है दुशासन, व्यापारी ने हम कौरों का अपमान किया है। अपमान? किसने किया अपमान? मैं कभी नहीं सहन कर सकती, अगर सारा बाजार न खरीद लिया गया तो मैं प्राण दे दूंगी। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो सारा बाजार खरीद लिया जाएगा। कहाँ है वो व्यापारी? भिखारी पांडवों की कौरवों के साथ तुलना? किसने कहा कि कौरव कंगाल है? ये हम कैसे कह सकते हैं कि कौरव कंगाल है, किंतु राष्ट्र यज्ञ के समय पांडवों ने हमारा सारा बाजार मोल लेकर गरीबों को दान कर दिया था। नाना जी भी दान कर दे। चुप, पांडव मूर्ख हैं। हम यहाँ की चीजें ले जाकर हस्तिनापुर को सजाएंगे। हाँ व्यापारी बोलो, क्या दाम है तुम्हारे स्वर्ण संसार का? यही 10 लाख स्वर्ण मोहर। 10 लाख? अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा बाजार खरीदे लेते हैं। दुशासन लोगों से कह दो कि जिसको जो चीज मन भाए ले ले। करो सब सामान उठाओ। देखो तिरंगे, दिल लगी ना करो, वो आते ही होंगे। मैं पहचान गई, आप बड़े चोर हैं। ये न कह डालो जो जी में आए। सुरेखा, सुरेखा, तरंगिनी, सुरेखा को कहीं देखा है क्या? कहाँ गई? आरती का समय हो रहा है, अभी अभी तो इधर गई है। इधर गई जी? अच्छा। ओ सुरेखा। अरे बलराम जी, सुरेखा। अरे तरंगणी, सुरेखा कहाँ है? महाराज इधर गई हैं पूजा करने। इधर? अच्छा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुरेखा को ढूंढने, आरती का समय हो रहा है। तो इधर क्या करने जा रही हो? तरंगिणी ने कहा है सुरेखा इधर गई। तरंगिणी ने कहा? हाँ,
अभी अभी तो तरंगणी ने मुझे भी बताया वो इधर गई है। तो क्या तरंगणी दो हो गई? कोई बात नहीं, तुम पूजा की तैयारी करो, मैं लाता हूँ सुरेखा को ढूंढ। सुरेखा? सुरेखा जी वंदन। तुम सचमुच मुझे चाहती हो? हृदय से बोलो। हृदय की बात हृदय से पूछो। सुरेखा आरती का समय हो रहा है। अच्छा तो मैं चलूं। कल तुम किस समय जगदम्बा के मंदिर में पूजा करने जाओगी? जब बारात के नगाड़ों की आवाज सुनना तो समझ लेना कि मैं मंदिर की ओर। ओ सुरेखा पिताजी आ रहे हैं। अच्छा तो अब कल भूल ना जाना मंदिर में। मंदिर में। अरे तुम तो यहाँ खड़े हो, किससे बातें कर रही थी बेटी? किसी से नहीं पिताजी, एक मिठ बोला उड़ते उड़ते आ गया था, उसी से बातें कर रही थी। बड़ी प्यारी लगती हैं उसकी बातें। अब कहाँ गया वो? अभी अभी उड़ गया। चलिए आरती हो रही है। लो प्रिय, मैं तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ। बिच्छू क्या मेरे लिए पायल लाए हो? देखो मैं कैसा लगता हूं। व्यापारियों ने हमें लूट लिया। क्या हुआ, चिल्लाते क्या हो? हमारे कपड़े और गहने हवा में उड़ गए, मिठाइयां मिट्टी बन गई। मूर्ख कायर कहीं के। संधी जी, अपमान करने के लिए बुलाया था हमें द्वारका। क्या हुआ सुवेदन महाराज, मैं कुछ नहीं समझा, क्या कारण है आपके क्रोध का? अच्छा ढंग है अपमान करने का, बेटी देने के बहाने बोटियां काट रहे हो, जरा देखो ये तमाशा। तमाशा? मैं इस रहस्य को समझा नहीं महाराज। समझोगे जब मैं द्वारका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखते क्या हो, निकाल लो तलवार म्यान से, चढ़ा लो धनुष पर बाण, दिखा दो द्वारका वालों को कि अपमान का बदला कैसे लिया जाता है। आज द्वारका को खून के सागर में डुबो दिया जाए, अपने इस अपमान का पूरा पूरा मजा चखा दो। सुयोधन जी। भैया। कन्हैया तुम ही समझाओ इन लोगों को। सुयोधन महाराज
आप लड़का बिहाने आए हैं या रार करने या खून की नदी बहाने? बात क्या हुई जो आप इतना बिगड़ रहे हैं? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं, कौरों का यह अपमान। श्री कृष्णा। गुरुराज, इस बतंगड़ का कारण तो बताइए, अभी फैसला हुआ जाता है। शुभ अवसर पर शांति से काम लेना चाहिए, तीर तलवार को दूसरे समय के लिए रखिए। श्री कृष्ण, देख रहे हो इनकी दशा, इस दुर्गति का कौन उत्तरदायी है? कल रात को हम नहीं समझे थे कि हमारे साथ ये चाल खेली जाएगी, इतना अपमान होगा हमारा। समझा, उन अनोखे व्यापारियों ने ठग लिया है आप लोगों को, पर आप बलराम भैया को क्यों दोषी बनाते हैं? इसी समय उन्हें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, वरना अच्छा ना होगा। बलराम भैया, आपकी लग्न मंडप में प्रतीक्षा हो रही है, आप वहां संभालिए। अच्छा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और मैं उन कुचाली व्यापारियों की खबर लेने जा रहा हूं। जहाँ भर पाओ बेटी, अखंड सौभाग्यवती भव। आई
मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा सुहाग अचल रहे और मैं अपने पति की सच्ची अर्धांगिनी बनूं। रानी जी, आप बाहर जाकर दाग दासियों को नेक चुका दीजिए। अच्छा तरंगिणी, तुम सुरेखा को परिक्रमा करा लाओ। आप सुरेखा को लेके आइए, मैं मंडप में जाती हूँ। जी सुरेखा। आप आ पहुंचे। हाँ, देवी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली सुरेखा। मेरे अभाग्य। अभिमन्यु, अब ज्यादा समय नहीं है, परंतु दादा मेरी चिंता न करो, मैं सुरेखा का स्वरूप धारण करके कौरों को भ्रम में डाल दूंगा। इतने में तुम बहुत दूर चले जाओगे। निकल गए। डरपोक कहीं का, अपनी स्त्री से डरता है, जाता है कि नहीं? नहीं नाना जी, मैं लगन नहीं करूंगा, मुझे डर लगती है। ऐसा बचपना नहीं करते, लोग क्या कहेंगे? बेटा जरा हिम्मत रखो, जाओ, ऐसे नहीं डरा करते, जाओ। जाओ नाना जी। आप मेरे साथ चलिए। जाओ तुम, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, जाओ। बलराम भैया, बलराम भैया, ये आप क्या नाट्य कर रहे हैं? सुरेखा को तो अभिमन्यु हर ले गया है। सुरेखा का हरण? सुरेखा का हरण? कन्हैया, सुरेखा का हरण, कौरों का ये अपमान? कन्हैया, बलदेव जी, ये सब क्या है? कौन है ये सुरेखा के रूप में? आप भी देख लीजिए ना। मामा, आप यहाँ का मोर्चा संभालिए, मैं अभिमन्यु को रोकता हूँ। कन्हैया, तुम अभिमन्यु के रोकने का प्रबंध करो। जो आठ गया। कौन हो तुम? हाँ।
घटोत्कच आ जाओ, किसकी माँ ने वीर जाया है? यादव शक्ति के साथ अठेलिया, तेरा इतना साहस दुष्ट सेनापति कौन है? कहाँ है मेरा हाल? इसकी कुछ गड़बड़ जरूर है। दुशासन, सारी कौरव सेना के समेत इस दुष्ट राक्षस पर टूट पड़ो, देखो भागने न पाए। मामा, ये पासे का खेल नहीं है। राहिवे क्यों है? कौरों का अपमान, सूर्य का कारण। किसने की है हिम्मत? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने। आज्ञा दीजिए महाराज, कर्ण का बाण उस अभिमानी छोकरे को द्वारका के सीमा के बाहर न जाने देगा। नहीं सुयोधन, इस समय तुम या कर्ण उसके साथ नहीं लड़ सकते, ये काम अपने बेटों को सौंप दो। हाँ पिताजी, आज्ञा दीजिए। पिताजी, हम ही निपट लेंगे। हाँ ठीक है, उस नादान बालक से तो हमारे बेटे ही निबट लेंगे। जाओ चंद्र केतु, विशाल कौरव सेना तुम्हारे साथ है। तो आज्ञा। आज्ञा। करना पुत्र चंद्र केतु ने सब रास्ते रोक रखे हैं। अच्छी बात है भैया, आज कौरवों को पार्थ पुत्र की शक्ति का पता लग जाएगा। किंतु आप अकेले? चिंता न करो सुरेखा, आज मैं अकेला कौरव की विशाल सेना का मुकाबला करूंगा। तुम सुरेखा को कोई सुरक्षित जगह पर ले जाओ। चलिए भैया, युद्ध करोगे? मैं क्षत्रिय का बेटा हूं दादा। अच्छा तो लो। जाओ भैया, युद्ध करो, मैं तुम्हारे आकाश रक्षा करता रहूंगा। मेरी माँ ने जो मुझे मायावी शक्ति का ज्ञान दिया है, उसका आज मैं सदुपयोग करूंगा। तुम जाओ। सावधान अभिमन्यु, सावधान कर्णपुत्र। देखते हो करण, राक्षस की माया। करण देखते क्या हो,
नाश करो इस मायावी राक्षस का। क्यों करण घबराहट से सारी सेना भाग रही है, काहे रो भागते क्यों हो, भागो मत, अपनी जान दे दो। राक्षस की ये हिम्मत, तुमने मेरे हृदय की बात जान ली कन्हैया, उठाओ अपना सुदर्शन चक्र और नाश कर दो इस मायावी राक्षस का। नहीं भैया, आज तक कृष्ण ने केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ही अपना चक्र उठाया है। कन्हैया, यदि आपने अपना हल उठाया तो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मुझे यादवों पर अपना चक्र उठाना पड़ेगा। तुम यादवों पर चक्र उठाओगे तो सुन लो, कर्तव्य के आगे भाई भाई के संबंध को भूल जाना मेरे लिए भी कठिन न होगा। शांत रहो बलराम, ये भूल हमारी ही है, हम पांडवों की दुर्दशा का लाभ उठा रहे हैं, सत्य का सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। महाराज, तो क्या मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं? सच्चा कर्तव्य पालन तो वचन निभाने में है, मैं नहीं चाहता कि हमारे स्वार्थ के कारण अंतर विग्रह हो। लेकिन पिताजी, कौरों की प्रतिष्ठा। चुप रहो, कौरों का तुमसे ज्यादा मुझे ख्याल है, आप शांत हो जाइए। चाची, मैंने कहा था ना कि अभिमन्यु का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण नारायण। कल्याण, प्रभु की लीला अपरंपार, आओ आओ नटवर गिरधारी। भैया, द्वारका में सब मंगल है ना? सुभद्रा, अमंगल करने वाला लौट आया है, तब सब मंगल ही मंगल है। भैया, तुम भी आशीर्वाद दो, कितनी अच्छी फूल रानी जैसी बहु रानी मिली है। ये कार्य ब्राह्मणों का है मुनिराज। नारायण नारायण, प्रभु मुझे ही कष्ट देंगे। अच्छा, जैसी वासुदेव की इच्छा। नारायण नारायण। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ये सब इन्हीं के आशीर्वाद का फल है सुभद्रे, इन्हीं की रचना है। मुनिराज, सत्य प्रेम की सदा विजय होती रही और होती रहेगी। परंतु इस पतंगड़ का कारण क्या है प्रभु? मुनिराज, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टितां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।